हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बड़ी होंगे, मैं भी बड़ी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह बच्चों की चल रही है मस्ती, ठीक। आज फिर से हमारे यहाँ बन रही है लाइव फ्रेश। और ये दाल पीसती है भून के, इसका बनेगा फाटा। और इन दोनों को देखो, खूब खुश है ये दोनों भाई बहन। बैठो बैठो नो, ये बहुत शैतान है हमारा बच्चा, कूदता रहता है। तो फ्रेंड्स, खिली खिली धूप आ गई है बाहर, बहुत प्यारी सी, देखिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा नाश्ता और उसके साथ ही है लंच, फाटा दाल का। तो इनको, बच्चों को खाना वाना खिला के अब भेज देते हैं थोड़ा सा राहत लेने के लिए नीचे घर। तो नीचे घर आज फाटा जा रहा है, ये लत्ता ले जा रही है। तो चलिए फिर करते हैं घर के पकचे हुए काम जो होते हैं डेली के, खाना खाने के बाद। नीचे घर नींबू साना जा रहा है और देखिए हमारे लिए यहाँ ऊपर आया है लोटा भर के, लोटा भर के नहीं है, वाह लोटा भर के। ये अभी लोटा लिया ना, तो ये है साना नींबू। तो हम भी लेते हैं थोड़ा नींबू का मजा, ये देखिए। ये देखो, ये देवांश कितने मजे कर रहा है अपनी नानी के, ये देखिए मैच खेल रहा है। और ये हमारी पैरी को देखो, इसकी चल रही है मस्ती। आ जाओ पैरी। दोस्तों, ये बैठा हुआ है दरवाजे पे किट्टू, इस घर की रखवाली करता हुआ। ये है हमारा पुराना घर, पहले टाइम में ऐसे होते थे घर। यहाँ क्या करने जा रहे हो आप बेटे? गिर जाओ, नींबू नहीं तोड़ना, नहीं चाची मारेगी, आ जाओ। हाँ, हम तो नहीं आएंगे, ईजा मारेगी फिर आपको। ईजा आ जाओ, मारेगी बेटू, आओ आओ, सान के खाएंगे, सान के, सान के अच्छा लगता है ना, आ जाओ। बहुत सारे हैं घर में नींबू, इसको नींबू आ गए पसंद, इस पेड़ के जब भी आएगी यहाँ से नींबू चाहिए इसको एक। ये देखो तोड़ भी रही है गंदी लड़की, गोल गोल करके तोड़ती, से तोड़ना आता है, तोड़ना भी नहीं आता। हाँ अच्छा हुआ नींबू बच गए, पेड़ में लगे अच्छे नहीं लग रहे आपको, आ जाओ ऊपर आ जाओ। अब बेटू बहुत सारे हैं घर में, बहुत सारे। ये देखो इस गंदी लड़की को, इसने तोड़ ही लिया आखिरकार, यहाँ आओ। अभी यह देखना ईजा पिटाई करेगी आपकी, ईजा पिटाई करेगी आपकी। चलो ऊपर चलो, डर लग रही है, तोड़ लिया और फिर उसके बाद डर रहे हो। चलो अब ऊपर, अब ईजा पिटाई करेगी। इसने परमिशन ले ली है अपनी दादी से, मैंने नींबू तोड़ लिया है, वन लिया है, वन कह रही है, कोई बात नहीं कह रही है ना दादी। चलो ये नींबू ले लिया।
पानी खाइयो पानी। और नींबू खाए गई अरे वो ईजा की तरह तो नहीं बोल रही है ये, देखो मुंह करके नकल की बंदर। तो चलिए दोस्तों, शाम का वक्त हो चुका है और यहाँ पे हम लोगों ने आग में जला दी है आग, और उसके साथ यहाँ सब लोग बैठ के ले रहे हैं चाय का आनंद, जो बहुत ही अच्छा लगता है ठंडी में इस तरह बैठकर चाय पीना, उसके साथ मीठी मीठी गपशप करना। तो दोस्तों, बाहर तो आग का आनंद लिया जा रहा है, चलिए अब हम कर लेते हैं डिनर बनाने की तैयारी। तो डिनर में आज बन रही है आलू पत्ता गोभी भांगा वाली, जो बहुत ही टेस्टी लगती है और सबको यही खाने का मन है, तो आज यही बनेगी चूल्हे पे। और सब लोग आग सेक कर अब चले अपने अपने घर। तो चलिए बना लेते हैं। दोस्तों, हमारी डिनर की थाली में है आज आलू पत्ता गोभी भांगा वाली, जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और चूल्हे पे पकाकर खाने में तो और ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया था डिनर। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने जब सब्जी पका ली थी उसके बाद इसके अंदर कुछ डाला था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और किस किस ने ऐसा करा है वो भी बताना कमेंट करके। तो मैंने इसमें डाला था, बता देती हूँ, आलू जो ऐसे कोयले में भून कर बहुत ही अच्छा लगता है, कभी ट्राई करना। तो चलिए थोड़ा सा फोड़ के दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह लगता है, तो बॉयल आलू से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी ट्राई करना, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।